गाइस वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज था होम टूर का वीडियो, यानी कि एक दो दिन बाद मैं दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को एक होम टूर का वीडियो दे दूँ। और ये वीडियो बहुत पहले ही देने वाला था, लेकिन हम लोगों को इतना ज़्यादा काम हो गया, ऑफिस का काम भी मैं कर रहा था, इस वजह से आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रहा था। तो होम टूर की वीडियो में सबसे पहले मैं आपको, यहाँ से हमारा घर स्टार्ट होता है, इस तरफ एक बार विकास दिखा देगा। तो इस तरफ जो है हमारा गार्डन एरिया है, या जो गाय वगैरह रखने के लिए वो एरिया है, मैं आप लोगों को एक अभी अलग तरीके से दिखा दूंगा। इस तरफ अगर दिखाएगा तो यहाँ से हमारा घर का जो है स्टार्टिंग होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं विकास? दलान बोलेंगे, मतलब एक तरीके से हमारा मेन यहाँ गेट रहेगा, लेकिन अभी गेट लगा नहीं है, तो स्टार्टिंग यहीं से है। सिस्टर ने चारों तरफ ये फूल लगाया है, इधर इधर भी फूल लगा हुआ है, चारों तरफ इस एरिया में भी, और इस एरिया में फूल लगाया। यहाँ से धीरे धीरे करके विकास अंदर आता जाए। सबसे पहले इधर आप लोगों को अगर दिखा दें तो इधर जो है हमारा ये स्टूडियो बनने वाला है। कुछ दिन बाद इस वाले रूम में मेरा स्टूडियो बनेगा, हम पहले से ही सोच के रखे थे, जिसको अभी हमने खाली रखा है। इसमें बस बैगन वगैरह थोड़ा बहुत लगाया गया है, स्टूडियो बनेगा। और ये एक तरीके से ड्राइंग रूम या हॉल की तरह हो जाएगा, यहाँ पर मतलब ऐसे सामान वगैरह रखने के लिए है। और ये चारों तरफ एरिया जो है वो खाली रहता है, मतलब यहाँ कोई रहता नहीं है। और इस तरफ अगर देखेंगे तो ये भी एक कमरा हो गया है, जिसको गाय का चारा, सिस्टर अभी गाय का चारा रखा हुआ है। गाय जो खाती है वो आप लोगों को नहीं पता होगा, वो भूसा है और उसी को गाय को दिया जाता है। तो वो भी एक रूम है, वो सिस्टर के लिए बनाना है। मतलब सिस्टर बोलती है मेरे को सिलाई वगैरह सामान के लिए एक बड़ा सा कमरा चाहिए, क्योंकि लड़की लोग बहुत ज़्यादा सीखने के लिए आती है उसके पास, तो उसको एक कमरा चाहिए था। हमने बोला कि वो वाला कमरा आपको दे देंगे, तो अभी उसमें भी प्लास्टर वगैरह करवाना है, बहुत बनवाना है, बिल्कुल टीन डाला हुआ है। और इस तरफ में चारों तरफ मौसी जो है आपको पता ही है कि पौधों से कितना प्यार करती है, तो चारों तरफ बैगन का पेड़ जो है लगा दिया गया है। और यहाँ से जो है हमारा मेन गेट शुरू होता है, वहाँ से भी आपको शुरुआत करेंगे। तो यहाँ तक था, ये कमरा है, ये कमरा है, और बीच में चारों तरफ ये हॉल है, जैसे कोई मेहमान वगैरह आ जाता है तो यहाँ बैठने के लिए बनेगा। लेकिन वो बाद की बात है, अभी एक दो साल बाद धीरे धीरे करके काम शुरू होगा। तो अभी अंदर चलते हैं, अंदर का दिखाते हैं आप लोगों को। अंदर जाने से पहले आप लोगों को बाहर वाला एरिया दिखा देता हूँ। देखिए बाहर में भी हमारा इस यहाँ से मतलब रोड होता है, रोड से पूरा स्टार्टिंग हमारे पास, मतलब काफ़ी ज़्यादा दूर तक ज़मीन है। और ये हमारी दो गाय हैं, इसका नाम है काली और इसका नाम है लाली। ये ऐसी तरीके से नाम से तो कोई बुलाता नहीं है, लेकिन नाम इसका रखा हुआ है बहुत पहले से ही, पापा ने रखा था। इसका नाम काली है क्योंकि ये काली है, और इसका नाम लाली है क्योंकि ये लाली है। मतलब जोक सपाट। और इधर में ये आप लोगों को पता ही, हम लोगों ने उस दिन चलाया था, क्योंकि ये गाय वगैरह के खाने के लिए बनता है इससे। और ये है आंवरा का पेड़ है, जो कि मौसी पूजा करने के लिए अभी हमें पहले से ये, मतलब दादी के टाइम से ये पौधा जो है रखा हुआ है। बाकी इस पे आप लोग देख रहे हैं, एक तरीके से नींबू बोलेंगे, बड़ा नींबू, हम लोग इसको भोजपुरी में गागल बोलते हैं, जो कि छठ पूजा में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो चारों तरफ से ये फला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और ये नीम का पेड़ है, ये मेरे दादाजी ने लगाया था, बहुत बड़ा है नीम का पेड़। और गाय पे भी देखिए अभी छाँव रहता है, क्योंकि कितना भी धूप हो जाए ज़्यादातर उस पर धूप नहीं आएगा, इस पर थोड़ा बहुत आता है अभी शाम का मौसम है। और वहाँ जो आप लोग देख रहे हैं वो एक तरीके से गोबर जमा किया जाता है उसके लिए, उपला बनाने के लिए। तो मतलब यहाँ पे कभी गोबर वगैरह इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि घर कभी लीपना हो गया, पूजा करना हो गया। ये हमारा पूरा गार्डन एरिया है, चारों तरफ ये पेड़ पौधे लगे हैं, ये अमरूद का पेड़ है। और यहाँ तक है हमारा पूरा ज़मीन, यहाँ से लेके और उस कोने तक। इधर मैं कोना आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए, तो उस कोने तक है, चारों तरफ यहाँ पेड़ पौधे हैं। यहाँ हमने बालू वगैरह गिरवाया था बहुत पहले, घर बन रहा था उस टाइम पे। और यहाँ पे भी है, ये आप लोगों को पेड़ गेस करना है किस चीज़ का पेड़ है। मैं पत्ते थोड़ा आप लोगों को नज़दीक से दिखा देता हूँ, तो ये आप लोग गेस करके बताइए किस चीज़ का पेड़ है, बहुत कम लोगों को ये पता होगा। और आंसर कमेंट पिन में आपको मिलेगा। तो ये गुलाब का फूल है चारों तरफ, मतलब एक एक अलग अलग तरीके के पौधे लगे हुए हैं। और यहाँ पे लगा हुआ है ये केला का पेड़, क्योंकि सिस्टर कभी कभी केला रखना चाहिए ना, घर में पूजा वूजा होता है तो उसके लिए। उधर एक केला अभी एक दो में लगा भी है, छठ पूजा के टाइम पे हम लोग काट के उतारेंगे। तो इस तरफ इधर का सारा एरिया हो गया, बगान वगैरह हो गया। और यहाँ से मैं निकलूँगा तो यहाँ आ जाऊँगा एक नल के पास, जो कि गाय के पानी वगैरह देने के लिए बनाया गया है। और यहाँ पर है लाली, जो कि मेरे को बहुत मारती है। लाली आ जाओ, ये प्यार नहीं करता हम लोग से, मारता है। और यहाँ से एंट्री होगा, तो अब अंदर घर वाला जो सीन है वो आप लोगों को दिखाता हूँ। एक ये है हमारे फैमिली का सबसे क्यूट मेंबर, जिसे आप लोगों को मिलवाना था, जो कि किसी भी वीडियो में आप लोगों को नहीं दिख रहा था, क्योंकि हम जानबूझ के उसको हाइड किए थे कि होम टूर के वीडियो में ही इसको दिखाएंगे। तो ये है हमारे बहुत अच्छा फैमिली का मेम्बर, ये हमारी, इसका नाम है दुर्गा। और दुर्गा नाम इसको इस वजह से रखा गया क्योंकि ये दुर्गा पूजा के ही दिन पैदा हुई थी, और इसी वजह से इसकी लाल वाली जो दिख रहा है आप, लाल वाली जो गाय मैंने देखी थी उसकी ये बेटी है। तो ये बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारी है और बहुत ही मस्त है ये। तो ये हमारे फैमिली का सबसे क्यूट मेंबर है, ये एक मेंबर है, और बाकी एक रॉकी भाई, जो खरगोश आप लोगों को दिखाया उसका नाम है रॉकी भाई, तो वो बहुत अच्छे मेंबर है।
इसको थोड़ा सा भी जिसका तबीयत खराब है इसलिए डाउन है, तो अभी खोल देंगे तो चारों तरफ कूदती फिरती रहेगी। तो ये बहुत ही प्यारी है, इसका नाम दुर्गा हमने रखा है और बहुत ही सुंदर है, क्यूट है। इसको नहलाने के लिए भी लेके जाना, अभी नहलाया नहीं है। ठीक है बाबू, बदमाशी नहीं। तो गाय से बहुत ज्यादा प्यार है मेरे को, क्या करते। बाहर का सारा चीज मैंने आप लोगों को दिखा दी, और यहाँ से हमारा मेन घर का एंट्री होता है। तो ये हमारा मेन डोर हो गया, मेन गेट हो गया, और यहाँ से पूरा एंट्री होगा घर का चारों तरफ। सबसे पहले एंट्री आने पे इधर का जो आप लोग देख रहे हैं, तो इधर हम लोग गाय वगैरह रखते हैं। कभी अगर बारिश का मौसम आ जाएगा, बाहर आप लोगों ने देखा तो बारिश के मौसम में गायों को यहाँ पे बांधा जाता है। और इधर अगर आएंगे तो सबसे पहले तो ये हमारा पूजा रूम बोल लीजिए, मतलब आंगन में हमारे हर टाइम, मतलब दादा परदादा के टाइम से ही आंगन में ही पूजा होता है घर में। तो इधर में भगवान रखे गए हैं, और यहाँ पे तीन कमरे पीछे आप लोगों को दिखेंगे, 1 2 3। तो ये मेरा कमरा हो गया, मतलब मम पापा का कमरा है, ये चाचा चाची का कमरा था, और ये दाऊ दादी का कमरा है। तो ये पहले के ज़माने के ही कमरे हैं, और पहले के ज़माने के जो गेट वगैरह जो आप लोगों को दिख रहा वो है। ऊपर आपको छत दिखेगा, और इस साइड में अगर करिएगा तो इस साइड में एक नल है जो कि पहले के टाइम का है, और यहाँ पे जैसे बर्तन वगैरह धोने के लिए नॉर्मल है। और इस साइड में देखिएगा तो ये हमारा गार्डन एरिया, गार्डन एरिया बोलेंगे, मतलब पेड़ पौधे लगाए गए हैं काफ़ी। अब बाहर इधर आपको दिखा देगा, इधर में देखिए फूल वगैरह लगाए गए हैं। यहाँ पे जो है पपीता है, और इस तरफ में जो है बैंगन वगैरह है, और मेहंदी का पेड़ है, और ये पीछे जो है ये बाथरूम है। उसका बैक टू चलो, पीछे चलो, पीछे चलो, किसी ने आग लगा दिया है। इधर भी चारों तरफ आप देखिएगा तो बैंगन पेड़ पौधे जो है, घर में मौसी हरा भरा चारों तरफ उसके पेड़ पौधे है। और इधर में जो है आप लोगों ने देखा ही पहले से ही, ये हमारे खरगोश जो है थोड़ा बहुत अभी से पालना इन लोगों ने शुरू किया है। तो ये दो मम पापा हैं इसके, और ये सारे बच्चे हैं। और खाना पीना जो है कभी कभी इधर में खाना पीना इधर में बन जाता है, खाना पीना इस साइड में बनता है। और उस साइड में एक बड़ी दादी है मेरी, उनका कमरा है, मतलब उसके अंदर हम लोग खाने पीने का सामान बस रखते हैं, और थोड़ा बहुत जो है गोबर का जो उपला उपला होता है वो स्टोर रूम है, बेसिकली हमारा स्टोर रूम है, उसमें स्टोर रूम के सामान रखे जाते हैं। तो ये चारों तरफ हमारा घर हो गया, ये तीन कमरे हो गए। कभी हम आते हैं तो इस कमरे में रुकते हैं, बाकी किसी को इस कमरे में रुकना है। इससे सिस्टर वगैरह जो है अपना सिलाई वगैरह का काम इसी कमरे में करती है, और पूजा का कमरा है, थोड़ा बहुत पूजा कमरा आप लोगों को दिखा देते हैं। तो ये जो है हमारा पूजा का कमरा है, मंदिर वगैरह है ये चारों तरफ, और ये पूजा का कमरा है। तो इसमें ज़्यादा कोई आता नहीं है, जब पूजा करना है तो ठीक है, नहीं तो बाकी जब हमारा जो खेती वगैरह करते हैं, धान वगैरह बाहर होता है तो उस समय स्टोर करने के लिए इसी कमरे में रखते हैं। बाकी रहने के लिए यहाँ पर ज़्यादा कोई रहता नहीं है, आप लोग इस नाम को देख के समझ के आएंगे। तो दीपावली में इसी को पूजा करते हैं हम लोग। तो ये पापा का नाम हो गया, चाचा का नाम हो गया, ये भैया का नाम है, ये मेरा नाम है, ये विकास है, और इसमें मम्मी है, चाची है, दीदी है, और ये तीनों छोटी बहन है। तो ये सब है, और रहता बस यहाँ पे चाची है, मतलब मौसी है, चाचा रहते हैं, और एक सिस्टर रहती है बस, ये और कोई रहता नहीं है। विकास बाहर रहता है, मैं बाहर रहता हूँ, बड़े भैया बाहर रहते हैं, और जितनी भी दीदी हैं सब बाहर रहती हैं। तो यहाँ तीन लोग रहते हैं, मौसी, चाचा और एक सिस्टर, और बाकी गाँव में कोई रहता नहीं, वैसे सब बाहर में काम करता है, लेकिन छुट्टियों में सब आता है तो अच्छा लगता है। आओ मौसी, घर आओ, घर आओ, मौसी बाहर नहीं आती है। तो इस तरीके से होम टूर है, मैंने सोचा कि अब दिल्ली जाने वाला है। मैंने ये होम टूर मेरे को शुरू में डालना चाहिए, लेकिन मैं लास्ट में डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अभी जाना है दिल्ली, एक दो दिन में निकलना है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक होम टूर वीडियो लेके आ जाऊँ, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और एक दो साल बाद अभी हम लोगों को थोड़ा काम वगैरह लगने वाला है, जैसे कि इधर में किचन बनवाना है, और घर के अंदर में प्लास्टर वगैरह करवाना है, जो कि अभी होगा, आप लोगों की कृपा से ही होगा, चाहे हमारे कृपा से भी होगा, काम वगैरह कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके अभी घर में भी काम लगने वाला है, बाकी दीवार वगैरह चारों तरफ से छत वगैरह, क्योंकि यहाँ पे गांव में शहर में क्या होता है, गांव में ये कोई छत नहीं रखता, सब खुला एरिया जैसा रखता है, ज़्यादा इसमें छत वगैरह हम लोग नहीं रखते। खुला एरिया में क्या हुआ, आसमान हुआ, बारिश हुआ, तो नीचे मिट्टी का जो है आंगन रहता है चारों तरफ, क्योंकि पानी वगैरह पड़ेगा तो पानी की कमी यहाँ पे नहीं होगी ना स्रोत। शहर में क्या रहता है आप लोग देखते हैं कि कोई आंगन वगैरह या मिट्टी का नीचे जमीन छोड़ता नहीं। तो ये है मेरा मौसी यानी कि विकास का मम्मी, तो यही बस एक रहती है, इसी की ये पूरा घर है, इसको संभालने का काम मौसी का है। चाचा दिन भर बाहर अपना काम पर रहते हैं, खेती बाड़ी में रहते हैं, तो पूरा काम मौसी का देखने का है। और मौसी हम लोगों को बुलाती है हर टाइम से, थोड़ा दूर जाके, ज़्यादा सामने मत आओ, तो कभी कभी सामने में ही कैमरा मैन सीधा सीधा रहो, कंट्रोल कंट्रोल उधर। मौसी हर दीपावली भाई हा, हर दीपावली छठ पूजा कोई भी पूजा होता तो मौसी बुलाती है कि आओ, गांव घर है, घूमने के लिए अच्छा है, पेड़ पौधा है, शांति है। तो हम लोग भी वहाँ शहर में काम कर करके थक जाते हैं, तो इस वजह से हमें लगता है कि हाँ गांव में आना चाहिए, घूमना चाहिए, शांति का माहौल देखना चाहिए। और मेरा ज़्यादा बोल दिया, हम तो कैमरा मैन को थोड़ा सा ले लेते हैं,
ये तो बेचारा कैमरा मैन। इसी के साथ कैमरा मैन के साथ हम लोग पूरा होम टूर करा दिए, क्योंकि आज मम्मी से हम भी सोए चलो आज एक वीडियो बनाते हैं हम पूरा और आप लोग को दिखाते हैं, क्योंकि फिर एक दो दिन चार पाँच दिन जितना भी हम लोग चले जाएंगे तो फिर यहाँ का तो वीडियो आएगा नहीं, फिर अगला साल या छः महीना बाद या चार महीना बाद जब हम लोग आएंगे तो फिर यहाँ का वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा। तब तक मम्मी भी अकेला रहेगी और हम लोग भी अकेला रहेंगे, मिस करेंगे आप मम्मी को भी, हम लोग भी आप लोग भी। ये चारों तरफ से शंकर जी का पूजा वगैरह करके रख दी है मौसी, बस हम लोग पूजा होगा मम्मी यही करती है, बस मम्मी के सुबह काम है काली माँ का मंदिर है जो वीडियो में हम लोग आप देखे होंगे, तो वहाँ मम्मी जाती है सुबह सुबह मंदिर धोती है और उसके बाद पूजा करती है, घर आके खाना पीना बना बस खाए पिए सो गए, फिर डेली रूटीन लाइन मेरा मम्मी का जो है यही है, अपना घर में बैठे बैठे इधर कुछ करते रहो उधर सब्जी भी लगा दिए घर में, खरीदना कम ही पड़ता है घर से, बस तोड़ो और बनाओ, पपीता है पेड़ पौधे हैं यार द्वार पर भी आप लोग जैसा देखें। मौसी कुछ बोलना चाहता रही, बोल दो कुछ ऑडियंस के, एक साल बाद फिर आएंगे, फिर आई हो अनु, हाँ दिवाली में आई हो, अच्छा से रही हो, हाँ मन लागे लाई जाए के लिए, हाँ मन लागे ला कि बच्चा आवेला सोचते से मन लागत, मम्मी के दोस्त है छोटा छोटा ना आवेला से गांव, दिन भर लइका ला करायला से छोट छोट बच्चों लोग को मतलब मम्मी प्यार करती है, लड़की आवेला लो सिलाई सीखने के लिए जैसे दीदी है ना तो लड़की लोग आती रहती, मन लागे ला। मौसी का भी मन इस वजह से नहीं लग रहा क्योंकि एक सिस्टर मेरी अभी झारखंड में है, क्योंकि हमारी आधी फैमिली यहाँ रहती है और आधी फैमिली झारखंड में रहती है और हम दो जन दिल्ली के अंदर रहते हैं, बाकी मेरे मम्मी पापा भाई बहन जो है भैया वगैरह सब वहीं पे रहते हैं झारखंड में, और वहाँ अभी मैं जा नहीं रहा हूँ, वहाँ बाद में जाऊँगा, एक साल बाद आऊँगा तो जाऊँगा, अभी नहीं जा रहा हूँ, तो इसीलिए यहीं पर रुकते हैं और मौसी को बोल रहे हैं कि अगले साल फिर दोबारा आएंगे पूजा में और दोबारा फिर हाँ उस समय घर थोड़ा चेंज लगेगा, बनवा देंगे किचन वगैरह सब बन जाएगा तो उस समय आप लोगों को थोड़ा चेंज लगेगा। तो यही थी हमारी आज की होम टूर की वीडियो, इसमें एक आदमी मिसिंग है अभी जो कि हमारे चाचा जी हैं, वो कभी शायद मेरे को लगता है कि दूध वगैरह लेके गए हैं, क्योंकि हमारा जो है आधा दूध हम लोग खाने पीने के लिए रखते हैं और आधा दूध दे देते हैं किसी को, तो उसके लिए चाचा भी बाहर गए हैं, अगर आते हैं तो उनके साथ भी एक शूट कर लेंगे। तो आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, यही था हमारा छोटा मोटा होम टूर का वीडियो, अगर कभी झारखंड जाते हैं तो वहाँ का भी आप लोगों को वीडियो देंगे, वहाँ भी आप लोगों को सब लोगों से मिलवाएंगे। तो अभी हमारे पांडे निवास की फैमिली में हम लोग कितने दो और दो चार लोग जुड़ गए, चार लोगों को आप लोगों ने देख लिया है, दो लोग हमको और दो लोग मौसी और चाचा को, चार भी जुड़े हैं अभी तक, कितना 12 आदमी है हम लोग, अभी काफी ज्यादा आदमी 10 आदमी नाम है, सब आगे आए आएगा तो सब धीरे धीरे करके आप लोग वीडियो में देखते रहिएगा, अभी मामा गांव है, मौसी घर है, मौसी घर है बोल रहे, फुआ घर है, बहुत ज़्यादा लंबा फैमिली है हम लोगों का, धीरे धीरे करके आप लोगों को दिखाएंगे। हाँ तो इस तरीके से इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मौसी बोलता लाइक करें लाइक करें लाइक करें सब्सक्राइब करें।